दिवाली के उत्साह के बीच देहरादून की मित्र पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश कर 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 6 लैपटॉप, 8 मोबाइल फोन और 1,01,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। इस बात को लेकर एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि पटेल नगर क्षेत्र में ऑनलाइन सट्टेबाजी की शिकायत आ रही थी, जिसे लेकर जब क्षेत्राधिकारी की तरफ से तलाशी ली गई तो पाया गया कि विन i20 ऐप के माध्यम से विभिन्न कस्टमरों को सट्टा खेलने के लिए जोड़ा गया था। इसमें कुछ अकाउंट का पता चला है जिनमें सट्टे की राशि जमा होती थी, जिसे अब फ्रीज कर दिया गया है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हाँ, इसमें चूंकि दिवाली का त्यौहार आ रहा है, काफी सारा ये शिकायत आ रही थी कि अब जो है ऑनलाइन सट्टे पर एक जगह पटेल नगर में शिकायत थी कि वहां पर ये संचालित हो रहा, जिसमें बाहर के काफी लोग आकर रुके हुए हैं। इसकी सूचना पर जो है क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में तलाशी ली गई तो वहां पर पाया गया कि जो है विन i20 ऐप करके एक बनाया गया था, जिसके माध्यम से विभिन्न कस्टमरों को ऑनलाइन जोड़ा गया था और इसके माध्यम से वो अलग अलग प्रोसेस के माध्यम से उनको आईडी क्रिएट करते थे और ऑनलाइन पैसा जो है जमा होता। इसमें कुछ अकाउंट नंबर भी पता चले हैं जिसमें सट्टे की राशि, जो खेलने की जो राशि थी वो उन अकाउंटों में जमा हो रही थी, उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। मौके से इनसे 1,00,000 करीब नगद जो है मिला है, जो विभिन्न इनके कमीशन के माध्यम से इनको मिलता था। प्रारंभिक पूछताछ में इनके द्वारा पता चला है कि इस तरह से ये आगे के चैनल से जुड़े हुए हैं इस तरह के ऐप्स के माध्यम से, और अपने अपने कस्टमर बनाते हैं और उनका एक निर्धारित शेयर होता है जिनको कटने के बाद बैंक अकाउंट में मिल जाता है। जो जानकारी इनसे मिली उसके आधार पर आगे भी काम कर रहे हैं। इससे भी 6 लैपटॉप और 8 मोबाइल फोन बरामद किया, जिस पर ये सट्टे का ऑनलाइन कारोबार चला रहे थे।